हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 10th इलेक्ट्रिक करंट नाम का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, इसे प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ। जैसा कि आप देखे होंगे या आप कभी करके ट्राई करना कि जब किसी बैलून को आप अपने हेयर के साथ रब करते हो तो बैलून और आपके हेयर के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप किसी बैलून को अपने हेयर के साथ रब करते हो तो बैलून और हेयर जो है आपका, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा होता क्यों है, इन दोनों के बीच में, बैलून और हेयर के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है, इस टॉपिक पे मैं आज आपके साथ यहाँ डिस्कशन करने आया हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज डिस्कशन करने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज मैं आपके साथ चार्ज टॉपिक जो है इस पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स आपके साथ। ये चार्ज होता क्या है, देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन्स फ्रेंड्स एटम्स, ओके एटम्स। पार्टिकल मीन्स एटम्स। मैं आपको कुछ चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, आप देखो, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये मैंने एक बनाया कैट, ठीक है, ये मैंने एक कैट बनाया, भले मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है लेकिन आप समझिए कि ये मैंने एक कैट ड्रॉ किया। अब देखो इस कैट के ऊपर जब मैं जूमिंग करके देखूं तो मुझे क्या दिखाई देने वाला है, एक ऑर्गन दिखाई देने वाला है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन को। और अगर मैं थोड़ा सा जूमिंग करके देखना चाहूं तो मुझे क्या दिखाई देने वाला है, सेल दिखाई देने वाला है। अब ये सेल क्या होता है, आपने बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ये सेल क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं सेल के ऊपर थोड़ा सा और जूमिंग करूं तो मुझे क्या दिखने वाला है फ्रेंड्स, अगर मैं एक सेल के ऊपर में थोड़ा सा और जूमिंग करता हूं तो मुझे छोटे छोटे एटम्स दिखाई देंगे, ठीक है, मुझे क्या दिखने वाला है, छोटा छोटा मुझे एटम्स दिखने वाला है, ओके मुझे एटम्स दिखने वाला है फ्रेंड्स। एटम्स, एटम्स क्या होता है, देखो एटम्स किसी भी, कोई भी पार्टिकल्स, आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट देखते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अगर देखते हो तो वो इसी से मिलके बना होता है, एटम से ही मिलके बना होता है। एटम्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे एक मकान बनाने के लिए ईट के ऊपर ईट हम रखते जाते हैं और एक मकान बनता है, उसी तरह एटम्स क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, इसी से मिलकर कोई ऑब्जेक्ट बना होता है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हमें क्या लगता था कि एटम इनडिविजिबल होता है, ठीक है, हमें क्या लगता था, एटम इज इनडिविजिबल। लेकिन आज हम जानते हैं कि एटम भी थ्री स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, एग्जैक्टली एटम भी। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर एटम पे और जूम इन करते हैं तो हमें और तीन स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देता है फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जी हाँ, एटम को और अगर हम जूम इन करके देखें तो हमें तीन और स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि बैलून हमारे हेयर के साथ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है, तो वो क्यों होता है, तो देखिए इसे आप यहाँ से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे समझते हैं। देखो अगर मैं एक प्रोटॉन ले लूं और एक प्रोटॉन यहाँ ले लेता हूं और इन दोनों को मैं अगर एक दूसरे के नजदीक लाता हूं, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक जब लाता हूं तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं दो प्रोटॉन ले लूं और दोनों को नजदीक लाने का कोशिश करता हूं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन ले लूं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन अगर मैं ले लेता हूं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं फ्रेंड। तो मैंने आपको बताया कि जब हम दो इलेक्ट्रॉन को भी एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब दूर भागता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस बार हमने एक प्रोटॉन को रखा और एक इलेक्ट्रॉन को रखा, तो अब
अब हमने क्या किया, एक प्रोटॉन को रखा और एक इलेक्ट्रॉन को रखा, तो इस बार हम क्या देखे, मैं हमने क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें अमेजिंग प्रॉपर्टी के बारे में पता चला और लोगों ने इसे ही चार्ज नाम दे दिया, ठीक है, लोगों ने इसे चार्ज कह दिया। अब आप समझिए कि चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना, जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज भी दो टाइप्स के होते हैं, अगर मैं और थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करूं तो हमें पता चला कि चार्ज भी दो तरह के होते हैं। देखो, ये एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि ये जब प्रोटॉन और प्रोटॉन को हमने एक दूसरे के पास लाने का कोशिश किया तो ये एक दूसरे से रिपेल हुए, मतलब दूर भागे, और जब हमने इलेक्ट्रॉन को भी पास रखा तो ये भी एक दूसरे से दूर भागे। तो लेकिन जब हमने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रखा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से लोगों ने इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसे कहा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से लोगों ने ये डिसाइड किया। स्टूडेंट्स, अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है, क्या एटम में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? तो हाँ, देखिए, आपने देखा कि एटम तीन जो है छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हो सकता है एटम में चार्ज हो, ठीक है। लेकिन आप समझिए, जब हम एक टेबल और एक चेयर को पास लाते हैं तो वहां तो एक दूसरे को वो ना तो अट्रैक्ट करते हैं और ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो आप समझिए, जैसा कि हम समझते हैं, एक कार्बन हमने लिया, ठीक है, कार्बन हमने लिया, तो आप जानते हैं कि कार्बन में 6 प्रोटॉन, आप जानते हो कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है फ्रेंड, 6 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोटॉन, मान लीजिए एक प्रोटॉन हम यहां रखते हैं और इसे नजदीक लाने का कोशिश करते हैं, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमने ऐसा किया, मतलब कार्बन 6 प्रोटॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होता है और एक प्रोटॉन जब हम इसके पास रखते हैं तो कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप जानते हो कि प्रोटॉन इक्वल है और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। देखो, प्रोटॉन जिस मैग्नीट्यूड के साथ इसे रिपेल कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो प्रोटॉन के सभी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। तो अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये प्रोटॉन जिस फोर्स के साथ इसे रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी उसी फोर्स के साथ इसे क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट कर रहा है, उसी फोर्स के साथ इसे अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है स्टूडेंट्स, आप समझिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि जिस मैग्नीट्यूड के साथ ये प्रोटॉन्स इस प्रोटॉन को रिपेल कर रहे हैं स्टूडेंट, उसी मैग्नीट्यूड के साथ ये इलेक्ट्रॉन इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसलिए यहाँ पे जो है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है रिपल्सन और अट्रैक्शन का वो इक्वल है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो क्या हो रहा है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड अगर सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है तो यहाँ पे ना तो कोई रिपल्सन देखने को हमें मिलेगा और ना ही कोई अट्रैक्शन देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए और कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे कहता हूँ स्टूडेंट्स, अब हम एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसे इरेज कर दूं एक मिनट के लिए स्टूडेंट्स, तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक प्रोटॉन रखता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ स्टूडेंट्स कि ये प्रोटॉन ना तो इसे अट्रैक्ट कर पा रहा है ना इसे रिपेल कर पा रहा है, मतलब जिस ये जो प्रोटॉन है स्टूडेंट्स जिस मैग्नीट्यूड के साथ इसे रिपेल कर रहा है उसी
मैग्नीट्यूड के साथ ये इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर रहा है स्टूडेंट, इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, और ना ही यहाँ पे कोई अट्रैक्शन होगा और ना ही कोई रिपल्सन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब हमने एक न्यूट्रॉन एटम को एक न्यूट्रॉन को यहाँ रखा और एक न्यूट्रॉन रखा बगल में इसके पास पास रखा, तो ना तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन हुआ और ना ही कोई रिपल्सन हुआ स्टूडेंट्स, और ना ही कोई एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला। तो लोगों ने ये समझ लिया और हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है स्टूडेंट, अगर चार्ज होता तो अट्रैक्शन या रिपल्सन हम देख सकते थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो इस पे हम लोगों ने समझ लिया कि इस पे जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एटम क्या होता है स्टूडेंट, एटम इंडिविजुअल पार्ट होता है, मतलब जिसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमें कुछ समय पहले तक हम ऐसा जानते थे स्टूडेंट्स, लेकिन आज के समय में हम ये जानते हैं कि एटम भी तीन स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और जो न्यूट्रॉन होता है स्टूडेंट्स उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। देखिए आप, इसका नाम ही है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल होता है स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया कि जब हमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया तो उसके सामने अगर एक प्रोटॉन हमने रखा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जिस पावर के साथ, जिस फोर्स के साथ स्टूडेंट्स ये प्रोटॉन इसे रिपेल कर रहा है स्टूडेंट, उसी फोर्स के साथ, उसी मैग्नीट्यूड के साथ स्टूडेंट्स ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे अपनी ओर खींच रहा है स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स वो कैंसिल हो जाता है और हमें यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दिखता है, ठीक है। अब दूसरी बात स्टूडेंट्स, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कार्बन का एग्जांपल लेके समझाया था स्टूडेंट्स, तो और मैं उसी पे कुछ डिस्कशन आपके साथ करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक समझा कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए जब हम एक अपने आसपास कोई भी सामान, जैसे हम एक टेबल और एक चेयर को पास लाते हैं, तो वो ना तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? इसका रीजन आप जान चुके हो, क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वेरी गुड। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने एटम को चार्ज कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे ऐसा किया जा सकता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से कार्बन एटम ले लेता हूँ। अब आप जानते हो कि कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट, 6 प्रोटॉन होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट, 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने एक कार्बन एटम लिया स्टूडेंट जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो इसमें न्यूट्रॉन भी होता है स्टूडेंट, पर न्यूट्रॉन का तो जो आप जानते हो कि चार्ज जीरो होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा स्टूडेंट्स। तो अब आप समझिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एक प्रोटॉन रखता हूँ स्टूडेंट, तो आप देखो कि ये प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट, फिर से ये इक्वल है, जिस फोर्स के साथ ये इसे रिपेल करता है स्टूडेंट उसी फोर्स के साथ ये इसे अट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स मैग्नीट्यूड स्टूडेंट वो इक्वल है और ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए आप देखो कि ये प्लस 6, मतलब स्टूडेंट्स जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितना है, प्लस 6, और जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स वो माइनस 6। अब आप देखो ये प्लस 6 और माइनस 6 क्या होता है, कैंसिल अगर हम इसे करें तो मैथमेटिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, चालाकी से प्रोटॉन को हमने कह दिया पॉजिटिव चार्ज और इसको कह दिया हमने, इलेक्ट्रॉन को कह दिया नेगेटिव चार्ज, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने कार्बन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, तो अब आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव 6 प्लस 6 प्रोटॉन्स है और हमारे पास माइनस 8 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस 8 और प्लस 6 स्टूडेंट्स में क्या देता है, माइनस 2। अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो हमारा एटम है वो नेगेटिवली चार्ज है स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास ये एटम है वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब स्टूडेंट्स इस कंडीशन में ये जो हमारे पास प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इसे अट्रैक्ट कर पाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। और सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे कहता हूँ कि मैं दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा, तो आप देखिए हमारे पास +6 प्रोटॉन्स है और हमारे पास -4 इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या होगा +6 और -4 स्टूडेंट्स +2। इस बार जो हमारा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है स्टूडेंट, तो इस बार ये प्रोटॉन मतलब ये जो एटम है ये इसे रिपेल कर पाएगा स्टूडेंट्स। तो मतलब अगर पॉजिटिव एटम है स्टूडेंट तो वो अपने आसपास रखे पॉजिटिव जो पार्टिकल्स है उसे क्या करता है, रिपेल कर सकता है स्टूडेंट। लेकिन अगर कोई एटम नेगेटिवली चार्ज है तो वो अपने आसपास रखे पॉजिटिव मतलब पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही कुछ होता है हमारे बैलून के केस में, जब हम अपने हेयर से बैलून को रब करते हैं स्टूडेंट तो हमारे हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन बैलून्स में चले जाते हैं और हमारा जो हेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और बैलून जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है स्टूडेंट, और ये इसी कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये चार्ज क्या होता है। एक हम समरी ले लेते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और यहाँ जो आपने देखा कि एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करने का जो फोर्स होता है स्टूडेंट इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।